हेलो गाइज, प्रीवियस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। नाम है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। 11 क्लास में पदार्थों की अवस्था के बारे में पढ़ना था। इसमें तीन अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वहाँ पर जो पढ़े थे सॉलिड का डिफिनेशन सेम होगा, उसका गुण भी सेम होगा। तो आइए देखते हैं सॉलिड क्या होता है। कि सॉलिड इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। कि जो सॉलिड है पदार्थ का एक मौलिक अवस्था है, इन विच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी उसके घटक, घटक कौन कौन से हो सकते हैं, तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस, आर हेल्ड टूगेदर, जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, बाय स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपस में जुड़ा हुआ रहता है किससे, तो बहुत ही मजबूत इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसका कुछ गुण जानते हैं। पहला गुण है दे हैव डिफिनिट मास, यानी कि सॉलिड का जो मास है द्रव्यमान निश्चित होता है। दूसरा डिफिनिट वॉल्यूम, उसका आयतन निश्चित होता है। तीसरा शेप, उसका आकार निश्चित होता है। सेकेंड इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, कि जो एटम्स और मोलिकुल्स और आयन्स है सॉलिड में उसके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। थर्ड इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, अगर दो ठो एटम आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से आकर्षित हो रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का दूरी कम हो, वही लिखा हुआ है कि इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, छोटा होगा। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके जो घटक हैं कौन कौन से हो सकते हैं, बता चुके हैं, एटम्स, मोलिकुल्स और आयंस, हैव अ फिक्स्ड पोजिशन, उसका जो पोजिशन होगा फिक्स होगा, निश्चित होगा। एंड कैन ओनली ओसिलेट, और वह मूव कर सकता है अबाउट देयर मीन पोजिशन, सिर्फ अपना मीन पोजीशन से टोटल एटम जो है सो ओसिलेट कर सकता है। अगला है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबाया नहीं जा सकता हो, रिजिड, जो हार्ड होता हो। तो यह कुछ था आपका सॉलिड का डिफिनेशन और उसका कुछ गुण। उसके बाद जानना है हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं उसके अरेंजमेंट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों, जिसमें से पहला का नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा का नाम है अमरफस सॉलिड। तो जानते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, या तो किस सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं, जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन वे सारे सॉलिड्स होते हैं विच हैव, जिसके पास होता है क्या, पहला गुण डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, जिसका आकार जो है सो निश्चित हो। दूसरा मेल्ट, जो पिघलता है एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, यानी कि निश्चित टेम्परेचर पर ही जो है सो टोटल सॉलिड पिघल सकता है। दूसरा तीसरा गुण है वेन कट विथ ए शार्प एज्ड टूल, जब इसको एक धारदार औजार से काटा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो दे स्प्लिट या टूट जाता है इंटू टू पीसेस, दो भाग में बट तो जाएगा। एंड द न्यूली जनरेटेड सर्फेस, और जो नया दो भाग बनेगा उसका भाग क्या होना चाहिए, प्लेन, समतल होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, रफ सर्फेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर इसका पॉइंट है क्या होना चाहिए, कि दे हैव, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास होते हैं डिफिनिट निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब जानते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। इंथैल्पी इनर्जी से रिलेटेड है और फ्यूजन का मतलब अवस्था से रिलेटेड है, कि किसी भी सबस्टांस, सॉलिड सबस्टांस को बाहर से कितना इनर्जी दिया जाए कि वह सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाए। तो यह जो एनर्जी दिया जाता है ताकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, वह एनर्जी निश्चित होता है किसके लिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अगला गुण है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसो का मतलब हम लोग जानते हैं समान, एन जस्ट अपोजिट होगी यानी कि असमान, और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि असमान भौतिक गुण होना। असमान भौतिक गुण होना कौन कौन से हो सकते हैं असमान भौतिक गुण, तो जैसे अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ का, कि एटम्स,
मॉलिक्यूल्स और आयंस जो सॉलिड के घटक हैं उसके अंदर जो अरेंजमेंट है, उसके बीच का जो भौतिक गुण होता है और उसमें से जो स्ट्रेंथ का बात किया वह अलग अलग होता है, जो कि पढ़ेंगे हम लोग डायग्राम में। अगला है लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि अगर हम लोग एटम्स को सजाते जाएं तो वह जो है सो एक लंबा और सुसज्जित फॉर्म में उपस्थित रहेगा। देखते हैं डायग्राम में, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, प्रत्येक यहाँ पर जो स्फेयर है या रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स को, देखोगे तो पहला रो है, प्रत्येक रो पहला रो में जो एटम्स हैं एकदम सीरियल लाइन में सजाया गया है, उसी तरह से सेकेंड में है, उसी तरह से थर्ड रो में, उसी तरह से फोर्थ रो में और उसी तरह से फाइव रो में, यानी अरेंजमेंट जो सिमिलर से जा रहा है। लेकिन अगर उसी को हम लोग कॉलम में देखें, कॉलम में देखते हैं कुछ इस तरह से अप टू डाउन, यहाँ एटम्स का अरेंजमेंट, यहाँ एटम्स का अरेंजमेंट, यहाँ एटम्स का अरेंजमेंट जो है सो अलग अलग हो जा रहा है। तो एटम्स का अरेंजमेंट का अलग होने के कारण यही कह रहा है कि सभी एटम्स का जो भौतिक गुण होता है वह समान नहीं होता है और इसी को हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। अगला गुण है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, इसमें जो घटक होते हैं प्रत्येक एटम्स जो है इसे ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद है ऑल्सो कॉल्ड इज ट्रू लिक्विड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, सॉरी हम ट्रू लिक्विड कह दिए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। अब यह क्वेश्चन आता है एक नंबर कि वाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, इसका आंसर हम लोग देंगे बिकाउज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। कुछ एग्जांपल्स सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो सिलिकॉन ऑक्साइड से बना हुआ रहता है, NaF सोडियम फ्लोराइड और क्वार्ट्ज से घड़ी भी बनाया जाता है। दूसरा टाइप है अमॉर्फस सॉलिड, दूसरा टाइप है अमॉर्फस सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड किन सॉलिडों को कह सकते हैं, तो देखते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव, जिसके पास हो क्या क्या होना चाहिए। पहला इरेगुलर शेप, हम लोग क्रिस्टलाइन में देखे थे रेगुलर शेप, निश्चित होना चाहिए उसका आकार, अमॉर्फस में अनिश्चित उसका आकार होता है। सेकेंड ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, कहने का मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर यह नहीं पिघलेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन जो है सो मेल्ट होते हैं। तीसरा व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल, जब इसको काटा जाता है एक धारदार औजार की मदद से तो यह टूटेगा तो दो पीस में, लेकिन उसका जो सरफेस होगा ना ही प्लेन होगा और ना ही रेगुलर होगा, यानी इरेगुलर होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है दे डू नॉट हैव डिफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब बताए थे कि किसी भी सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ता है जो कि निश्चित नहीं होता है, किसमें अमॉर्फस सॉलिड्स में। फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में आइसोट्रॉपिक इन नेचर, हम लोग एन आइसोट्रॉपिक में देखे थे, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब बताए थे कि समान गुण नहीं होना, कौन सा समान गुण नहीं होना, तो समान गुण और भी कौन सा भौतिक गुण नहीं होना, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा कि समान भौतिक गुण होना किसमें अमॉर्फस सॉलिड में। उसके बाद क्या है, इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा सबसे पहले तो इरेगुलर होगा, यानी कि चारों दिशाओं में वितरित रहेगा, एक ऑर्डर में अरेंज नहीं रहेगा, और अगर ऑर्डर में अरेंज हो भी जाता है तो शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज यानी कि कुछ दूरी के लिए। उसके बाद है आपका आल्सो कॉल्ड है सूडो सॉलिड या तो कूल्ड लिक्विड्स, कि अमॉर्फस सॉलिड को कहा जाता है सूडो सॉलिड या तो कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन फिर से बनता है कि वाई आर अमॉर्फस सॉलिड कॉल्ड एज सूडो सॉलिड और कूल्ड लिक्विड, इसका आंसर देंगे कि अमॉर्फस सॉलिड के पास गुण होता है कि वह फ्लो हो सके, वह फ्लो कर सके, तो इसी गुण के कारण जो है अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड और कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। एग्जांपल क्वार्ट्ज ग्लास, हम लोग क्रिस्टलाइन में क्वार्ट्ज पढ़े थे, इसमें क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास के फॉर्म में। उसके बाद रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स, डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको,
डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो कुछ देर पहले बोले थे इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, चारों दिशाओं में वितरित होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, और अगर सर्टेन डायरेक्शन हो भी तो उसका जो रेंज होगा काफ़ी छोटा होगा। यही देखते हैं हम लोग। देखोगे यहाँ पर तो तीन एटम का अरेंजमेंट जो है सो लगातार दिख रहा है, लेकिन इसके अगर हम लोग बाएँ तरफ जाएंगे तो ये एटम्स लगातार नहीं है, यानी कि ऑर्डर है तो था लेकिन शॉर्ट रेंज में था, और चारों दिशाओं में क्या है वितरित है, इसलिए हमारे फर्स्ट सॉलिड है। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर का पूछ देता है व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, या तो व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक, तो जो बताएं मतलब उसको डिफिनेशन का फॉर्म में लिख दिया गया कि आइसोट्रॉपिक मीन्स हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टी बताए थे फिजिकल प्रॉपर्टी, सच एज कौन सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ आंतरिक मजबूती एटम्स के बीच का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है तो जब हम लोग लाइट को पास करवाते हैं सॉलिड से तो लाइट किस स्पीड से सॉलिड को पास करते हुए निकलता है तो उसका वेलोसिटी, और लाइट का ओरिजिनल वेलोसिटी, तो जब हम लोग लाइट का ओरिजिनल वेलोसिटी डिवाइड बाय लाइट जब पास किया सॉलिड से उसमें उसका वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं तो वह पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि उसके चालकता के बारे में बताता है ईटीसी इन ऑल डायरेक्शन, कि जो भी सॉलिड जो है आइसोट्रॉपिक होगा उसमें क्या होना चाहिए, तो उसका जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी वह सभी जगह समान होगा, कौन कौन सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ताकत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता चुके, एंड उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चारों दिशाओं में जो है सो समान होना चाहिए। उसके बाद है एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी का जस्ट अपोजिट, उसमें चारों दिशाओं में फिजिकल गुण समान होता था, इसमें असमान होगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, अभी हम लोग देखें डिफिनेशन अमॉर्फस सॉलिड का और क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमॉर्फस सॉलिड का, जो पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है तो दोनों का जो है सो पॉइंट वाइज करके और लिख दोगे डिफरेंस। तीसरा है नोट का पॉइंट कि लाइक लिक्विड, लिक्विड की तरह अमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड की तरह अमॉर्फस सॉलिड भी फ्लो कर सकता है थ्रू वेरियस लेयर्स लेकिन बहुत ही धीमा, इसलिए समटाइम्स कुछ समय दीज आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड।